बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ICS पार्ट 2 की बुक के चैप्टर नंबर 5 इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझने से पहले ये पता होना जरूरी है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। और डियर फ्रेंड्स, जिस तरह घर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आमतौर पर वालदैन की होती है कि बजट कितना रखना है, सेविंग्स क्या करनी है, बच्चों के एडमिशन्स कहाँ करवाने हैं, यानी पूरे घर को किस तरतीब से चलाना है, ये जिम्मेदारी होती है हमारे वालदैन की। ऐसे ही आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम बहुत सी इंस्ट्रक्शंस से मिलकर बनता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट होंगी तो उन्हें भी किसी ना किसी ऑर्डर को फॉलो करना होगा कि आया एक प्रोग्राम में मौजूद तमाम इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी, या कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले और कुछ बाद में एग्जीक्यूट होंगी, या फिर एक ही इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। यानी एक प्रोग्राम में मौजूद तमाम इंस्ट्रक्शंस किस तरतीब में एग्जीक्यूट होंगी, इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत होती है, और इसीलिए यूज किया जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को। और दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन देखिए, द कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स हाउ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, यानी आपके प्रोग्राम में मौजूद इंस्ट्रक्शंस किस फ्लो में एग्जीक्यूट होंगी, इसको कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग में आप इन्हीं कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से मल्टीपल अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में कंबाइन कर देते हैं। और सिंगल लॉजिकल यूनिट से मुराद है कि वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कि दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान लिखी जाएं, ताकि वो तमाम इंस्ट्रक्शंस मिलकर किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रही हो, किसी एक काम को मुकम्मल कर रही हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सिंगल लॉजिकल यूनिट का नाम दिया जाता है। और दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम में सिर्फ एक तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज नहीं किया जाता, बल्कि प्रोग्राम की लॉजिक के हिसाब से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी तीन तरह के यूज किए जाते हैं, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर और रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, डियर फ्रेंड्स, ये इसकी डेफिनेशन देखिए। इन सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, वन स्टेटमेंट सिंपली फॉलोज एन अदर इन अ सीक्वेंस, यानी एक प्रोग्राम है जिसमें सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, तो वहां तमाम इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन यानी सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगी। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम में 10 इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन लिखी हुई हैं, और अगर इसमें सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होगा तो तमाम इंस्ट्रक्शंस उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी जिस ऑर्डर में लिखी गई हैं, कि पहले इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होगी, देन इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट होगी, व्हिच मींस कि हर अगली इंस्ट्रक्शन अपने पहले वाली इंस्ट्रक्शन के बाद ही एग्जीक्यूट होगी। इसीलिए इसको सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिस पर हमारा ये पूरा चैप्टर बेस्ड करता है, वो है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। दोस्तों, जिस तरह सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर में जिस तरतीब में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, बिल्कुल उसी तरतीब में उन्हें एग्जीक्यूट भी होना होता था, जबकि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में तमाम इंस्ट्रक्शंस का दारोमदार, तमाम इंस्ट्रक्शंस किस तरतीब में एग्जीक्यूट होंगी, इसका दारोमदार कंडीशन पर होता है, यानी कंडीशन की बेस पर सिलेक्ट किया जाता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि आपकी कंडीशन के ट्रू या फिर फॉल्स होने पर डिपेंड करता है कि किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है और किसको एग्जीक्यूट नहीं करना। दोस्तों, यहाँ पर ये कंडीशन का लफ्ज आपके लिए नया है। और कंडीशन क्या है? अ कंडीशन इज अ रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन। दोस्तों, अभी तक हम एक्सप्रेशंस को डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का ऐसा मजमुआ होता है जो कि एवलुएट होने पर आपको एक सिंगल रिजल्ट फराहम करता है। बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन भी एक एक्सप्रेशन ही होती है जो कि एवलुएट होने पर आपको एक सिंगल रिजल्ट तो फराहम करेगी, लेकिन वो रिजल्ट या तो ट्रू होगा
या फिर फॉल्स, यानी अगर आप एक्सप्रेशन को देखें तो इसका रिजल्ट आपको कोई नंबर में मिल सकता है, लेकिन कंडीशन का रिजल्ट आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स की शक्ल में मिलेगा। तो दोस्तों, कंडीशन हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई दफा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उस गेम का तमाम दारोमदार कंडीशन पर होता है कि अगर आपने कंडीशन लगाई है इफ यू विन द गेम, अगर आप ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी आप लेवल टू पर जाएंगे, वरना आप अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लेवल वन पर ही रहेंगे। विच मीन्स के डेली लाइफ में भी हमें कंडीशंस का सामना करना होता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब हम एक खास एक्शन को परफॉर्म करते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम किसी दूसरे एक्शन को परफॉर्म प्रोग्राम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट नहीं होते, वहां भी हमें कंडीशंस को लगाने की जरूरत होती है। जैसे मान लें दो नंबर्स हैं और उनमें आपको कंप्यूटर के थ्रू जानना है कि कौन सा नंबर दोनों में बड़ा है, तो यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी कंडीशन की, और दोनों नंबर्स में कंपैरिजन करवाकर आप चेक करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स। अगर ट्रू आएगा तो वो अपनी सब स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जंप कर जाएगा। जैसे यहाँ आपके सामने 6 स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और 4th स्टेटमेंट में हमने कंडीशन लगाई है, तो अब आपके प्रोग्राम का पूरा फ्लो डिपेंड करेगा इस 4th स्टेटमेंट पर, जो कि है एक कंडीशनल स्टेटमेंट, एक सिलेक्शनल स्टेटमेंट। अगर इस कंडीशनल स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आएगा तो 4th स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी यानी 4A वो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर इस कंडीशन स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स आएगा तो अब 4A स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि अब आपका कंपाइलर जंप कर जाएगा 5th स्टेटमेंट पर, यानी 5th स्टेटमेंट और उसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमें ये पता चला कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जिसमें कंडीशन लगी होती हैं, तो उन कंडीशंस की वजह से पूरे प्रोग्राम का फ्लो सिक्वेंशियल नहीं रहता, बल्कि अब पूरे प्रोग्राम का फ्लो डिपेंड करता है उस कंडीशन के ट्रू या फिर फॉल्स होने पर। और यहाँ आपने एक और बात ऑब्जर्व की होगी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपके प्रोग्राम का कुछ हिस्सा चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके प्रोग्राम का कोई और हिस्सा चलेगा। इसीलिए इसको डिसीजन या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर को डिसीजन लेना होता है, फैसला करना होता है कि उसे कंडीशन के बिहाफ पर प्रोग्राम के किस हिस्से को सिलेक्ट करना है फॉर द एग्जीक्यूशन। और दोस्तों, याद रखिए, तमाम कंडीशंस में हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को ही यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन तमाम ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स की सूरत में ही होता है। और दोस्तों, जो कुछ सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर और स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये क्या है, किस तरह से काम करते हैं, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आखिरी और नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। दोस्तों, रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, इन आइट्रेशन और रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर द प्रोग्राम विल कीप रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स अंटिल द कंडीशन बिकेम फॉल्स। यानी जिस तरह सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम कंडीशन इस्तेमाल करते थे और उस कंडीशन के सही या गलत होने पर हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते थे, ऐसे ही रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी हम कंडीशन को ही यूज करते हैं, और वो कंडीशन ही ये डिसाइड करती है कि स्टेटमेंट्स कितने टाइम्स रिपीट होंगी। यानी जो आपका रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये खासतौर से तब यूज किया जाता है जब आप एक ही स्टेटमेंट को, एक ही इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये कंडीशन कंपाइलर को बताएगी कि आप अपने किस इंस्ट्रक्शन को कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अगर रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में मौजूद कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल रिपीटेशन स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। और दोस्तों, ये आपके सामने दो फ्लो चार्ट्स मौजूद हैं, एक सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए यूज किया गया है और दूसरा रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए। और यहाँ ये देखिए, यहाँ ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रन होगी, अगर ये कंडीशन
सॉरी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रन होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई दूसरी स्टेटमेंट रन होगी। और डियर फ्रेंड्स अब ये वाला फ्लो चार्ट देखिए जो कि रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए है, और यहाँ पर ये रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर भी कंडीशन मौजूद है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और कंट्रोल दोबारा से कंडीशन पर चला जाएगा, यानी यहाँ पर हर बार कंडीशन चेक होगी, कंडीशन के ट्रू होने पर आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, एक ही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगी, यानी कंडीशन के ट्रू हो जाने पर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और दोबारा से कंडीशन पर आपका कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल इस रिपीटेशन स्ट्रक्चर या फिर इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए वी कैन से कि सिलेक्शन एंड रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स फ्लो चार्ट्स इंप्लीमेंट सिमिलरली, यानी ये दोनों आमतौर पर तकरीबन सिमिलर ही होते हैं क्योंकि दोनों में हम कंडीशन देते हैं और दोनों का इनिसार कंडीशन के ट्रू या फिर फॉल्स होने पर होता है। लेकिन रिपीटेशन में फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी कंडीशन तब तक चेक होती रहेगी जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जबकि सिलेक्शन में कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चेक होगी। और डियर फ्रेंड्स जिस तरह से सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इफ एल्स और स्विच का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को सी प्रोग्रामिंग में यूज करने के लिए आप तीन लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। तो डियर फ्रेंड्स ये थे तमाम कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने ये देखा कि अगर आप सिक्वेंशियली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, अगर आप कंडीशन के बिहाफ पर अपनी तमाम इंस्ट्रक्शंस में से कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को ही एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते बल्कि उस प्रोग्राम में से कुछ खास इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंडीशन के बिहाफ पर सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। और दोस्तों अगर आप एक ही इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम्स रन करवाना चाहते हैं, तो फिर आप रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये थे तमाम कंट्रोल स्ट्रक्चर, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।